अल्लाह का डर बताकर इस्लाह करें, ये भी तरीका हमको मिलता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 96 कि ओसामा रज़ी अल्लाह ताला ने उन्होंने वहाँ पर जंग के अंदर जो है उन्होंने एक को कत्ल कर दिया। दूसरे साहबी ने आके फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लम, इसने जो उस आदमी के कलमा पढ़ने के बाद भी कत्ल कर दिया। उसने कलमा पढ़ लिया था, उसकी तलवार गिर गई, इसने कलमा पढ़ लिया लेकिन कत्ल कर दिया। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लम बुलाए, बोले कि तुमने क्यों किया? तो बोले अल्लाह के रसूल सल्लम, वो तो तलवार की जद में आ गया था, इसलिए डर के मारे पड़ रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि क्या तूने उसका सीना चीर कर देखा था कि वो डर के मारे पड़ रहा था कि वाकई में पड़ रहा? अगर रोज़े कयामत उसका कलमा आ गया तो तू क्या करेगा? या कुछ उसमें मिलता है उसकी तस्वीरियाँ के अंदर के, ये भी कहा गया कि तेरे हाथ में तलवार थी, सीना चीर के भी देख लेता कि उसके अंदर कलमा मौजूद है कि नहीं। तो उसने पढ़ लिया तो क्यों नहीं छोड़ा? तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर लिया उनसे। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझसे गलती होगी। तो ये अल्लाह का डर बताकर उनकी इसलाह की कि देखो तुमने क्या गलत काम किया, ये अल्लाह का डर बताया। इसी तरह मोहब्बत का इजहार कर कर भी इसलाह कर सकते हैं, ये भी तरीका हमको मिलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1936 कि एक आदमी आया रमज़ान के वक्त के अंदर और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले क्या हुआ? तो अल्लाह के रसूल, रोज़े की हालत में मुझसे जिमा हो गया, बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली, रोज़ा था मेरा रमज़ान के। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि अच्छा तू तो बर्बाद ही हो गया, ख़त्म हो गया तेरा मामला ही ख़त्म, तू तो जहन्नम जाने वाला है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या, बैठो बैठो, पहले भागता हुआ आया था, उसने कहा कि बैठो, तसल्ली रखो पहले, अब हम कुछ करते हैं उसके। फिर कहा कि अच्छा गलती तो हो गई तुमसे, अब एक काम करो, इसे गफ्फारा अदा करो। बोले क्या गफ्फारा? गफ्फारा है कि गुलाम आज़ाद करो। अल्लाह के रसूल क्या, मैं तो खुद गुरबत गरीब आदमी, मेरे पास कहाँ गुलाम है? तो अच्छा, बोले वो नहीं हो सकता, एक काम करो 60 रोज़े रखो कंटिन्यूस बिना नागा किए 2 महीने की। तो बोले अल्लाह के रसूल, इतनी तो ताकत नहीं है मेरे में कि मैं जो है 2 महीने के रोज़े रखूँ कंटिन्यूस, मैं नहीं कर सकता। तो अल्लाह के रसूल बोले अच्छा ठीक है, 60 लोगों को खाना खिलाओ। बोले मैं तो इतना गरीब हूँ, 60 को कहाँ से खाना खिलाऊँ? बोले अच्छा ये भी नहीं, अब तीनों जो कफ़ारे अदा करने के तीनों मामले नहीं। तो उन्होंने कहा चलो फिर कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भाई इसकी मदद करेगा? तो एक साहब ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम मेरे पास एक खजूर है, तो खजूर का टोकरा उन्होंने ला के दिया कि ये। तो बोले अच्छा एक काम करो, ये ले जाओ और तुम्हारे बस्ती में जो सबसे गरीब आदमी है उसको तकसीम कर देना। तो कहा कि अल्लाह के रसूल, सबसे गरीब तो मैं ही हूँ उस बस्ती के अंदर। तो बोले अच्छा, तो फिर ऐसा काम करो तुम ही खा लेना, फिर जाओ। तो ये मोहब्बत का इजहार किया, ये नहीं कि बर्बाद हो गया, तुम आ गए और तुम कफ़ारा भी अदा नहीं कर रहे हो और जो खजूर दे रहे हो तो वो भी खुद ही खा रहे हो। तो मोहब्बत का इजहार किया उसकी जो परेशानी की, हाँ भाई गलती तो हो गई तेरे से, लेकिन अब उसका हल क्या है, उसका हल हमको निकालना है। तो ये भी मिलता है।